महाराजगढ़ प्रखंड के तक्कीपुर पंचायत अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय बगौछा में प्रवासी मजदूरों के लिए बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर का हाल बेहाल है। यहाँ पिछले दो दिनों से 12 पुरुष और 2 महिला क्वारंटाइन के लिए कोलकाता और सूरत से पहुँचे हैं। हालांकि यहां प्रशासन की कार्रवाई केवल कागजी ही साबित हो रही है। कागज में क्वारंटाइन केंद्र है, हालांकि हकीकत यह है कि क्वारंटाइन केंद्र बनने के बाद से ही यहां पर कोई भी पदाधिकारी शुद्ध रूप से दिखाई नहीं दिया। विद्यालय में क्वारंटाइन के लिए पहुंचे पंचायत के तमाम मजदूरों ने बताया कि विद्यालय के अधिकांश कमरे में ताले लगे हैं, लोगों को रहने तथा खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। मजदूर बरामदे में रहकर किसी तरह अपना रात गुजार रहे हैं। बताया जाता है कि दो दिन पूर्व कोलकाता और सूरत से प्रखंड मुख्यालय पहुंचे ये मजदूर, जहां इनको बताया गया कि इनके अपने पंचायत के उस क्वारंटाइन सेंटर में जाना है। इसके बाद जब वे तक्कीपुर पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय बगौछा के क्वारंटाइन सेंटर में पहुंचे तो वहां का दृश्य देखने ही लायक था। विद्यालय के सभी कमरे में ताले बंद थे। इधर प्रशासनिक मदद मिलने की आस में अब तक मजदूरों को लगभग 48 घंटे हो चुके हैं, हालांकि अभी तक उन्हें किसी भी प्रकार की मदद नहीं दी गई है। अब कहां से आए हुए हैं? सूरत, गुजरात से। क्वारंटाइन सेंटर पर कब से हैं आप यहां पे? कल से। खाना पीना की व्यवस्था यहां पे? कुछ नहीं, घर पर है। यहां के मुखिया जी से सूचना दिए हैं आप? सब बोल दिए हैं। कल से आए हैं? हाँ। कोई व्यवस्था नहीं हुआ है? कोई व्यवस्था नहीं हुआ। आपका परिचय? मेरा नाम शैलेश कुमार, ग्राम पुस्तकी, जिला सिवान, बिहार। कब से आए हुए हैं क्वारंटाइन सेंटर पे? कल से। खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पे कैसे मिल रहा है आप लोगों को? ठीक ठाक मिल रहा है? अपने घर से मंगा रहे हैं। घर से मंगा रहे हैं? कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे? नहीं, कोई। आपका परिचय? रामानंद साहब। घर? तक्कीपुर। कब से आए हुए हैं क्वारंटाइन सेंटर पे आप? मैं तो परसों से आया हूँ। परसों से आया हैं? यहाँ पे क्या कुछ व्यवस्था मिली है आपको? अभी तो कुछ व्यवस्था नहीं है सर यहाँ पे। खाना पीने का? वो खाना पीने का भी व्यवस्था नहीं है, लोग घर से मंगा रहे हैं खाना। घर से मंगा रहे हैं? हाँ। आपका परिचय? परिचय बगौछा। नाम क्या हुआ? जयशंकर।